आज वायुसेना को मिलेगा पहला स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर। वायुसेना के बेड़े में शामिल होंगे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रही है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। वायुसेना को सौंपेंगे LCH-10 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, वायुसेना में शामिल होंगे। जोधपुर में वायुसेना स्टेशन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राजनाथ सिंह वहां पर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ऊंचाई वाले इलाके में तैनाती के लिए ये डिजाइन किया गया है, और ऐसे में देश की उड़ान भरने के लिए तैयार, देश की एयर पावर और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में 3 अक्टूबर को। भारतीय वायुसेना में नई एलसीएस का आगमन हुआ है। इस नए एलसीएस पर अपना आशीर्वाद बना रखें, इसे इसी शक्ति प्रदान करें कि ये हमारे परिजनों के लिए विध्वंस और विनाशकारी साबित हो। हे परमपिता परमात्मा, आपसे प्रार्थना है माननीय रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, कमांडिंग ऑफिसर 143 एक्सयू और सभी वायुमयो अपनी सेवा देखिए, अपना आशीर्वाद बनाए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ उस हेलीकॉप्टर की जो बेहद ऐतिहासिक क्षण है आज के लिए, साथ ही साथ दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचे हुए हैं, और ऐसे में आज वायुसेना को पहला स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर मिल रहा है। तो ऐसे में ये ऐतिहासिक क्षण और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप लगातार देख रहे हैं, और ऐसे में आत्मनिर्भर बनने का और इस दिशा में ये एक ऐतिहासिक क्षण है, बेहद महत्वपूर्ण है आज का दिन। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को वायुसेना में औपचारिक तौर पर शामिल किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। खास बात यह है कि भारतीय वायुसेना के पहले स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर LCH सीमा के करीब जोधपुर में तैनात किए जाएंगे, और इसके बाद एक सैन्य समारोह में रक्षा मंत्री खुद LCH वायुसेना को ये सौंप रहे हैं। तो वहां पर वायुसेना के तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं, तस्वीरों में आप देख रहे हैं, और विशेष आयोजन वहां पर किया गया है। खुद रक्षा मंत्री वहां पर पहुंचे हैं राजनाथ सिंह, और आज ही ये हेलीकॉप्टर वायुसेना को सौंपा जाएगा। ये तस्वीरें ऐतिहासिक क्षण की। तो पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा की कैबिनेट कमेटी ने इसी साल मार्च में 15 स्वदेशी लाइट अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने को मंजूरी दे दी थी। उसके बाद 3,387 करोड़ में यह हेलीकॉप्टर HAL से खरीदे गए हैं। इनमें से 10 हेलीकॉप्टर वायुसेना के लिए हैं और 5 भारतीय सेना के लिए हैं। यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वायुसेना के तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। साथ ही साथ आप दो तस्वीरें देख रहे हैं। एक पहली तस्वीर में आप देखेंगे रक्षा मंत्री किस तरह से हेलीकॉप्टर का वहां पर विधि विधान के साथ जो पूजा की जाती है वो कर रहे हैं, शुभारंभ कर रहे हैं। साथ ही साथ अब ये हेलीकॉप्टर वायुसेना को सौंप दिया जाएगा, और ऐसे में देश हित में ये अपने आप में बेहद बड़ी खुशखबरी। मिसाइलों से लैस है ये कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, विशेष खासियतें हैं इस हेलीकॉप्टर में, और ऐसे में जोधपुर में वायुसेना स्टेशन पर यह कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो आज वायुसेना के लिए एक बड़ी उपलब्धि, क्योंकि आज पहला स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर वायुसेना को मिलने जा रहा है। यह ऐतिहासिक क्षण देश के लिए। जोधपुर में वायुसेना स्टेशन पर इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचे हुए हैं, और ऐसे में आज रक्षा मंत्री इस हेलीकॉप्टर को वायुसेना के हवाले कर देंगे, उन्हें सौंप दिया जाएगा। मिसाइलों से लैस है ये कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, और वायुसेना के बेड़े में शामिल होंगे ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। ऐसे में बेहद बड़ी खुशखबरी, और साथ ही साथ हेलीकॉप्टर वायुसेना के लिए है ये, और 5 भारतीय सेना के लिए भी
है। इनमें से 10 हेलीकॉप्टर वायुसेना के लिए और 5 भारतीय सेना के लिए शामिल होंगे। तो अपने आप में ये बड़ी खुशखबरी देखने को मिल रही है। मिसाइलों से लैस होंगे ये हेलीकॉप्टर, वायुसेना के बेड़े में शामिल होंगे ये हेलीकॉप्टर, और देश की ताकत लगातार बढ़ते हुए कदम। ये हमारी आपसे विनती और प्रार्थना है, विनती निवेदन और प्रार्थना करते हैं हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री जी के लिए, तमाम वायु सैनिकों के लिए, तमाम अधिकारियों के लिए, सब पर आपकी आशीर्वाद और आपकी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सभी धर्म गुरु वहां पर पहुंचे हुए हैं और देश की उन्नति के लिए कहीं ना कहीं प्रार्थना करते हुए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बेहद ही गर्वान्वित करने वाली ये तस्वीरें, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 ये प्लेन जो हैं उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे में ये तस्वीरें लगातार भारत आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ान भरते हुए ये तस्वीरें लगातार, मिसाइलों से लैस होगा ये कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और वायुसेना के बेड़े में आज से शामिल हो गया। तो ये ऐतिहासिक पल की तस्वीरें ये भारत की ताकत, कहीं ना कहीं देश की ऊंचाई लगातार बढ़ती हुई, आसमान को छूती हुई ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। जोधपुर में ये वायुसेना स्टेशन पर ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, और ऐसे में वायुसेना की ये ताकत कहीं ना कहीं प्रदर्शनी करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद वहां पर मौजूद हैं। और ऐसे में अब स्टेज पर जाते हुए रक्षा मंत्री ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और तो आज वायुसेना को ये पहला स्वदेशी लड़ाकू मिलने जा रहा है। कहीं ना कहीं देश हित में यह बेहद सराहनीय कदम, वायुसेना के बेड़े में आज ये हेलीकॉप्टर शामिल होंगे, और साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद हैं और वायुसेना को आज सौंपेंगे यह बड़ी सौगात, वायुसेना के लिए, देश हित के लिए और देश की। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, अब वायुसेना के बेड़े में ये शामिल हो चुके हैं लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वायुसेना को सौंप चुके हैं ये हेलीकॉप्टर, और ऐसे में कहीं ना कहीं वायुसेना के लिए ये बड़ी सौगात, पहला स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर। तो देश लगातार उन्नति पर, और ऐसे में ऊंचाइयों को छूता हुआ ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार आयोजन की।